नहीं नहीं, आप जो कह रहे हो बराबर है, फोन करके बता देना उनको। जी सेठ जी। अरे ये भीड़े मानेगा नहीं, इसीलिए कह रहा था सेठ जी फोन उठा लीजिए। आप, अरे आप सब, हाँ सिर्फ यही नहीं जेठालाल, पूरी सोसाइटी है यहाँ पे, ये देखो। हाय जेठा भाई। हेलो, क्यों सोसाइटी में कुछ हुआ है क्या? हाँ पता चल गया पार्सल किसका है। अरे वाह, चलो हाँ पता चल गया पार्सल किसका है। किसका है भाई? तुम्हारा। क्या? हाँ, चार बार तुमको पूछा था मैंने कि ये पार्सल तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारा तो नहीं है। अरे वीडियो को लटक गया। अरे अटक नहीं गया है, मैंने तुमसे चार बार पूछा था ना, तो मैंने अभी चार बार बोल के बताया कि मैंने चार बार ऐसे पूछा था। कहला चलो अभी शुरू हो जाओ। क्या शुरू हो जाओ? 200 उठक पटक मारने के लिए। तुमने बोला था ना कि अगर ये पार से मेरा निकला तो मैं 200 उठक पटक मारूंगा। शुरू हो जाओ। हाँ जड़लाल शुरू करो, हम लोग वेट कर रहे हैं। अरे एक मिनट यार भाई, पहले ये बता भीड़े कौन है ये बेवकूफ जो बिना नाम का पार्सल भेजता मुझे? सुंदरलाल ने भेजा ये पार्सल अहमदाबाद से। सुंदर भाई नहीं चाहिए मुझे पार्सल, नहीं चाहिए, वापस भेज दे। अरे इस पार्सल में दया आंटी ने हम सबके लिए मंदिर से प्रसाद भेजा है, इसलिए ये वापस नहीं कर सकते। चलो अभी, चलो अभी शुरू हो जाओ, 200 उठक पटक मारो। अरे जयडलाल ज्यादा सोचो मत, तुम्हारा हेल्प के लिए ना काउंट मैं करेगा। शुरू करो, शुरू करो, उठक पटक शुरू करो। अरे बुरा फंसा दिया ये सुंदर सुंदर ने, ये उठक बैठक से बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जेठालाल कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इधर आओ, हेलो। वाह सेठ जी, क्या आइडिया किया आपने। ए, फोन कट हो गया लगता है, जेठा के यहाँ पे नेटवर्क खराब है। ओ, नटू काका के फोन पे फोन कर, वो साथ नहीं होंगे। अरे हाँ एक मिनट दोस्तों। एक ये भी है। हाँ किसका भेड़े का है? मत उठाना, मत उठाना। अरे पूरी रिंग गई, उन्होंने उठाया नहीं फोन। अच्छा किया। बस इतनी क्वेरी थी। अच्छा सेठ जी, सेठ जी। हाँ जेठालाल, भीड़े भाई का फोन है, आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। हाँ मेरे वो फोन में वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। बोल बोल बोल। जेठालाल अभी बागा के मोबाइल में नेटवर्क तो ठीक है ना? अरे भीड़े भाई एकदम फर्स्ट क्लास है। नहीं सेठ जी। हाँ हाँ, और अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमसे बात है दुकान पर। अरे नहीं भाई नहीं, ये मेरा फोन। अरे हाँ भाई इधर ही है फोन तेरा, लेके भाग नहीं रहा हूँ मैं, मेरा फोन। हाँ पोपटलाल, किसी को इधर इधर दुकान में आने की जरूरत नहीं है, बगा ने बोला ना उसके फोन में बराबर है सब नेटवर्क। बोलो। नहीं नहीं बोलना नहीं जेठालाल, देखना है तुम्हें 200 उठक बैठक मारते हुए। ठीक है मारता हूँ मैं 200 उठक बैठक। उत्तरी। हाँ ये हुई ना बात, चलो शुरू हो जाओ। अरे वाह।
नहीं, मैं तो शुरू हो ही जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ साथ आप लोगों को भी शुरू होना पड़ेगा। आप लोग मतलब आप सब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी। हम क्यों क्यों हम सब क्यों करें उठक बैठक? हाँ, हम लोग क्यों करेगा? हाँ सही सवाल है, हम क्यों करें उठक बैठक? क्योंकि अभी गोली ने बोला ना, दया ने सबके लिए प्रसाद भेजा है और पार्सल के ऊपर नाम क्या था? गोकुलधाम सोसाइटी। मतलब ये पार्सल सिर्फ मेरा नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का है। और आप सबने भी बोला होगा ना कि ये पार्सल मेरा नहीं है, ये पार्सल मेरा नहीं है। तो भाई कायदे से तो ये सजा सबको मिलनी चाहिए ना, है? तो चलो एक साथ शुरू करेंगे, एक साथ शुरू करो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जेठालाल की बात में दम है? देखिए ये जो पार्सल है वो सबके नाम पर आया है, तो हम सबको भी उठक बैठक करनी चाहिए। ओ यारो, ओ मेनू लगता है कि जेठा भाई करेक्ट कह रहे हैं। हाँ जेठा भाई राइट है। अरे नहीं, इनके मजे के चक्कर में हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। एक्चुअली मैं नहीं कर सकती। कोमल तुम क्या, मैं भी नहीं कर सकता। देखो मुझे तो उठक बैठक के नाम से ही पसीना आ गया। भीड़े भाई छोड़े ना ये सब, इट्स बेटर कि हम लोग ये सब उठक बैठक वाला आइडिया कैंसिल करते हैं। वाह वाह बबीता जी वाह, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में एक आप ही समझदार है। बोल बा भीड़े, तो अभी क्या करना है? क्या करना है? क्या उठक बैठक का आइडिया कैंसल? गुड। भाई भीड़े हमेशा याद रखना, कच्ची माड़ू से होशियारी पड़ती है हमेशा भारी। सिंह जी फोन मेरा है। हाँ हाँ भाई हाँ। नहीं वैसे जेठाल की बात बिल्कुल सही है, मतलब पार्सल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के नाम पे है ना, तो वो अकेला क्यों उठक बैठक करेगा, है ना? चलो अभी प्रसाद सबको बांट देते, लाओ लाओ छोड़ी लाओ। चलो यहाँ पर जितने भी है उनको प्रसाद मिल गया। पोपटलाल अभी मेरे साथ चलो, सोसाइटी में सबको प्रसाद देके आते हैं और शुरुआत चंपक चाचा जी से करते हैं। हाँ। चलो यारो मैं गराज निकलता हूँ। ओ चंगा जी चलो। कमाल है, चाचा जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? बगना देखो कमाल है, ये भागदौड़ में भूल गया, जेठा ने मुझे बताया था कि चाचा जी यंग ओल्ड ग्रुप के साथ बाहर गए। भिड़े तेरे बिना चाचा जी की तरह उम्र हो गई। क्या बोला तू? क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं अभी बोला ना उम्र क्या, उम्र क्या? चाचा जी की तरह उम्र हो गई ऐसा बोलना? अरे डिब्बे उम्र होगी होगी तेरी, समझा? अरे तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है भाई, तू प्रसाद दे। प्रसाद यहाँ दरवाजे के बाहर खड़े खड़े प्रसाद दोगे? चलो घर के अंदर सब। उमर वाली चाचा जी मारते वाला। चलो आओ। अरे कहाँ चले गए? अरे यहाँ पर है चाचा जी। ओ आ गए, मैं सोच में पड़ गया कहाँ चले गए। बैठो बैठो। हाँ अब प्रसाद दो। हाँ ये लीजिए। वाह चाचा जी, आपको पता है ये प्रसाद कहाँ से आया है? हाँ पता है,
अहमदाबाद से दया बहू ने भेजा है सुंदर को बोल के। आपको पता था? हाँ। आपको कैसे पता था? अरे सुबह सुंदर का मुझे फोन आया था कि पूरी सोसाइटी के लिए वो प्रसाद भेज रहा है। अरे काश चाचा जी आप हमको पहले मिल जाते तो नीचे जो भागा दौड़ी वो होती ही नहीं ना। कैसी भागा दौड़ी? अरे क्या हुआ चाचा जी? ये सब भागा दौड़ी हुई। अरे लेकिन मैं घर पे नहीं था तो मेरे मोबाइल पे फोन करके तो मुझे पूछ ही सकते थे ना। अरे कैसे पूछता चाचा जी, जेठा ने मना किया था कि बाबूजी को फोन मत करना, डिस्टर्ब मत करना। जेठा तो है ही एक नंबर का बबूचक, लेकिन तुम दोनों को तो अपना दिमाग लगाना चाहिए ना। वैसे चाचा जी एक गुड न्यूज है। हाँ पता है। ये भी पता है आपको? हाँ, दया बहू बहुत जल्द वापस आ रही है। कमाल है चाचा जी, आपको तो सब पता है। चलो हम लोग चलते हैं, बाकी सबको भी प्रसाद बांटना है। अरे भिड़े भाई, भूल गया तू नट्टू काका बागा और बावरी के लिए भी दे दे। अरे हाँ, अरे हाँ बराबर है, शाबाश पोपट बेटा। एक और ठीक है, चलिए चलिए चलो चलते हैं। दया बहू के आते ही घर में रौनक आ जाएगी, जेठिया खुश हो जाएगा। मस्त है ना जेठिया? अरे एकदम जबरदस्त बाबूजी। और वैसे भी प्रसाद तो कोई भी हो मस्ती होता है। ये दया भी कमाल है बाबूजी, अहमदाबाद से प्रसाद भेजती है, खुद नहीं आती है। नहीं नहीं पापा, आप देखना मम्मी जल्दी आ जाएगी। अरे आ जाए तो मजा आ जाए। वैसे सुंदर भी कमाल का है, अहमदाबाद से पार्सल भेजा, ऊपर नाम नहीं कुछ नहीं, खाली गोकुलधाम सोसाइटी लिख के भेज दिया। अरे हमें से किसी को बताना चाहिए ना कि मैं पार्सल भेज रहा हूँ। अरे सुंदर ने मुझे फोन करके बताया था, लेकिन मैं सोसाइटी में सबको बताऊँ उसके पहले तो पार्सल आ गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे बापूजी आजकल ये पार्सल को लेके ओटीपी का बहुत स्कैम चल रहा है बापूजी, आप अपने यंग ओल्ड ग्रुप में सबको बता देना जरा सतर्क रहे। क्या कि ये बेचारे बड़े बुजुर्ग लोग ये आजकल की टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ होते नहीं है, इसलिए स्कैम करने वाले ज्यादा करके ये सीनियर सिटीजन लोगों को ही झांसे में लेते हैं। नहीं नहीं बराबर है, मैं अपने यंग ओल्ड ग्रुप में सबको सतर्क कर दूंगा। और पापा सिर्फ ओटीपी नहीं, आजकल तो लोग डीप फेक वीडियो से भी स्कैम कर रहे हैं। कौन सा वीडियो? डीप फेक वीडियो। फेक वीडियो मतलब क्या? वीडियो कैसेट फेक फेक के मारते हैं? अरे नहीं नहीं पापा, इसका मतलब है कि एक ऐसा वीडियो जो आपका है लेकिन आपका नहीं है। मतलब? मैं बताता हूँ पापा, मान लो आपको दादाजी का वीडियो कॉल आया और उन्होंने कहा कि एक इमरजेंसी है और आपको जल्दी से जल्दी 50,000 रुपए इस अकाउंट में भेजने हैं, तो आप क्या करोगे? तो बापूजी वीडियो कॉल करेंगे तो मैं तो तुरंत 50,000 भेज दूंगा। एग्जैक्टली exactly. और फिर आपको पता चले कि वो वीडियो कॉल जो दादाजी ने किया था वो दादाजी थे ही नहीं। अरे मैं वीडियो कॉल करूंगा तो मैं ही होऊंगा ना। नहीं दादाजी ऐसा जरूरी नहीं है, आजकल डीप फेक वीडियो के जरिए लोग किसी की बॉडी पे किसी का चेहरा लगा लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि बॉडी अलग है और चेहरा अलग, और आवाज भी सेम टू सेम मैच कर लेते हैं और फिर लोगों को ठगते हैं। बाप रे आजकल की टेक्नोलॉजी तो खतरनाक होती जा रही है। हाँ पापा, और इसीलिए हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। ये नई तकनीक के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है, लेकिन एक बात है, अगर हम सतर्क रहे तो हम नुकसान से बच सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बापूजी आप। अच्छा पापा कल दुकान जाते वक्त आप मुझे पैसे देता जाऊं। कौन से पैसे? अच्छा कौन से पैसे? अरे खिस्सा खर्चे के और कौन से? अरे नहीं नहीं पापा मुझे पैसे नहीं चाहिए। हाँ पहले सुन तो ले वो क्या कहना चाहता है। बिना सुने ही पैसे देता जाऊं। सॉरी सॉरी सॉरी, अब बोल बोल बेटा क्या कल दुकान जाते वक्त क्या? हाँ पापा मैं ये कह रहा था कि कल दुकान जाते वक्त बागा भाई और नट्टू काका के लिए भी प्रसाद लेकर जाना। हाँ हाँ वो तो लेके जाऊंगा जरूर। चलो फिर इस वक्त कहाँ?
कहाँ क्या जेठ है यार, सोने और कहाँ। हाँ हाँ चल शुभ रात्रि। ओके बाबूजी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि पापा। हाँ ये रख दे जरा किचन में। अलग रख दे। आज जो मेरे भाषण का फेवरेट भोनू बनाया मुझे देख कर ही बहुत खुश हो जाएगा। पिंडी छोले एंड कुलचा। बल्ले 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 बल्ले। नऊ आगे गया है, कहाँ रह गए हो? फोन करके देखती हूँ क्यों नहीं अभी तक। मारो फोन का ही नहीं उठ सकते फिर से करो। फिर से फोन नहीं उठाया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि रोशन ने मेरा फोन नहीं उठाया। ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई होगी। फिर से करती हूँ। आपके द्वारा ड्राइव किया गया नंबर अभी स्विच्ड ऑफ है। तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पहले रेंज आ रही थी, अब स्विच ऑफ आ रहा है। बैटरी गई होगी ना। हे एक मिनट, फोन स्विच ऑफ हो गया है या फिर फोन स्विच ऑफ किया है? वैसे भी दो दिन में अब होली आने वाली है, कहीं ये पार्टी शार्टी करने तो नहीं बैठ गया? शान, अगर तूने पार्टी शार्टी की ना तो एक हाथ में हॉकी लेकर और दूसरे हाथ में सोटी लेकर तुझे ऐसा मारूंगी ना एकदम फट 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 करी ना कि तेरा दिमाग फरी जैसे। अब भी भीड़ भाई के घर जाती हूँ और उनको लेकर रोशन को ढूंढने जाती हूँ। जितु तारा मन में तुम झूठे तेरी भी रोशन तू साक्षात मैं। और चलिए और कौन होगा? और तू मेनू ये दस, तू 120 की स्पीड में इतने गुस्से में कितने जा रही थी? तुझे ही ढूंढने जा रही थी। ओ तेरी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे तो सच में खो जाना चाहिए था, वरना मुझे ढूंढने की तेरी इच्छा तो अधूरी रह जाएगी ना। खोटे खोटा नाटक नहीं करो। बिल्ला तू मने एक है कि तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया और उसके बाद फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया? अरे मेरी पोली पार्सल। गाली इतनी सी है कि मेरी मोबाइल की बैटरी जो है ना वो लो हो गई सी और मैं घर आ रहा सी तो मैंने सोचा अब घर जा ही रहे हैं तो फोन क्या उठाना, इसीलिए। एक सेकेंड, तुझे क्या लगा मैं कहीं पार्टी शार्टी करने बैठ गया हूँ? आज तो बड़ी मैंने भी जुसू लागे। वैसे भी दो दिन में अब होली आने वाली है और तू तो बड़ा यारों का यार है। किसी यार ने बोला होगा ओए चल रोशन बैठ के पार्टी शार्टी करते हैं और तू बैठ गया होगा। पर आज किसी यार ने बोला ही नहीं ना। शू कहो मेरा गैंडम मतलब सी कि आज मेरा कोई भी यार ऐसा बोलता ना तो मैं उसे ना कर देता। अच्छा सच्चे? हाँ सच्ची पक्का? अच्छा पक्का पक्का। ओए हुंडा हंस दे एटली पन भोली पर्सन ना थी। पहला तू मने प्रॉमिस कर कि तू होली में पार्टी शार्टी नहीं करेगा। प्रॉमिस आप? अरे सुनिए इतनी छोटी सी बात के लिए क्या प्रॉमिस प्रॉमिस मांग रही है? जो रोशन कान खोल के सुन ले, जब तक तू मुझे प्रॉमिस नहीं करेगा ना तुझे खाना नहीं मिलेगा। ओए चलिए सुनिए इतना गुस्सा ना कर भाई। प्रॉमिस 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 ठीक है मैं होली पे पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। खुश? चल हुण ये दस खाने विच की बनाया? तने खबर छे आज मुझे तुझ पे इतना प्यार आ रहा था ना तो मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया। फेवरेट? की पोटेज खोल में जॉय लेनी। ओहो हो पिंडी छोले। अरे वाह जीरा राइस तेरा फेवरेट। ओए पापा जी ओए मसाला कुलचा। अरे रोजन डार्लिंग आज तो तूने दिल खुश खुश कर देता। होली के आधे तुझ में भी प्यार का रंग चढ़ने लगा है। कॉस मर रोशन और इसी बात में हो जाए बंद कर
और जल्दी से जाके फ्रेश हो जा, फिर हम खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है, उड़े गया कि उड़े आया। ओके। दोस्तों किसी भी सफर में जब एक स्टेशन जाता है तो दूसरा स्टेशन आता है, ठीक वैसा ही हाल हमारे गोकुल धाम का है। पार्सल का किस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन अब होली आने वाली है और होली तो रंगों और मस्ती का त्यौहार है, और सोडी के लिए मौज मस्ती मतलब पार्टी शार्टी। लेकिन इस बार सोडी ने वादा किया है कि वो होली में पार्टी शार्टी नहीं करे। भाई सोडी पार्टी शार्टी ना करे, लेकिन गोकुलधाम में होली और हंगामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक राज की बात बताऊं आपको, इस बार होली में बड़ा हंगामा होने वाला है जिससे गोकुलधाम की होली पे बड़ा संकट आने वाला है। अब वो संकट क्या होगा और ये संकट किसकी वजह से आएगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सोमवार के एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.